please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूँ शीतल नांदन। जम्मू में सेना के कैंप पर कल तड़के हुए आतंकी हमले के बाद मुठभेड़ आज भी जारी है। अब तक सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, जिनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। इस आतंकी हमले में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। इस हमले में शामिल आतंकी अफजल गुरु स्क्वाड के थे। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का झंडा भी बरामद किया है। इस आतंकी हमले में 9 लोग घायल हो गए। सेना के कैंप में घुसे बाकी आतंकियों की तलाश के लिए सेना अब टैंक लेकर अंदर घुसी है। इस बीच सेना ने कैंप में करीब 150 सरकारी फ्लैट्स की तलाशी ले ली है और सभी परिवारों को बाहर निकाल लिया गया है। कुछ और घर बचे हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है फिदायीन हमला हो गए इस मिलिट्री स्टेशन के ऊपर। कल सुबह यहाँ पर लगभग 4:30 और 5 के बीच में हमला हुआ था और अभी तक यहाँ पर हम बात करें तो अभी भी सैनिक जो है वो मुठभेड़ में लगे हुए हैं उन फिदायीनों के साथ। हालांकि 3 फिदायीनों को मारने में सफलता सेना को मिल चुकी है। 2 सेना के जवान शहीद हुए हैं, कुछ उनके परिवार के लोग इसमें घायल हुए हैं, कुछ सैनिक भी इसमें घायल हुए हैं, जिनकी संख्या कुल 9 के करीब बताई जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें मिलिट्री स्टेशन सुजमा के भीतर की तो यहाँ पर पूरी रात सर्च चली है और यहाँ पर फायर भी हुआ है। अभी भी यहाँ पर स्थिति ये है कि जो सेना के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, इन्होंने पूरा कार्डन कर रखा है कैंप को, बाहर से भी और भीतर से भी, हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। पूरा स्पॉट देखा जा रहा है कि कहाँ पर जो बाकी आतंकियों के साथी हैं छिपे हो सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि 4 से 5 आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने फिदायीन हमला किया था। 3 को मार गिराया गया है, 2 अभी भी हो सकते हैं या 1 उनका साथी और छिपा हुआ हो सकता है। जितने भी फैमिलीज थी वहाँ पर सैनिकों के, लगभग 150 के करीब उनको एवैक्यूएट कर लिया गया था। जो बिल्डिंग्स थी उनको पूरा सर्च किया जा रहा है। कुछ इलाका रात को बचा था जिसमें अभी सनलाइट के साथ ही वहाँ पर फिर सर्च शुरू होगी। और इस पूरे कैंपस की अगर हम बात करें तो चारों तरफ से घेरा डाला गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं उन्होंने बाहर की तरफ से कार्डन कर रखा है कि कहीं अंधेरे का लाभ उठाकर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे बाहर ही यहां पर मारा जाए। और साथ ही ये बता दें कि पूरे कैंप के भीतर स्पेशल टीम्स जो पहुंची हुई हैं वो सेना के उच्च अधिकारी यहाँ पर लगातार संपर्क में हैं। सेना के चीफ बिपिन रावत जो हैं वो भी रात को यहाँ जम्मू में पहुँच चुके थे और पूरी स्थिति में नज़र रखी जा रही है। कैंपस की अगर हम बात करें तो अभी भी वहाँ पर रुक रुक कर फायर जो है वो आ रहा है। 1 या 2 साथी आतंकियों के और हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर से पूरे एरिए को चेक किया जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा ये इलाका है कैंपस का, जो पूरा मिलिट्री स्टेशन है। यहाँ पर हर जो गेट है उसके ऊपर भी कड़ी चौकसी अभी बरती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आर्मी कैंप पर हुए हमले में मारे गए आतंकियों का संबंध आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है, जिन्होंने पंजाब बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लोकल गाइड की मदद से शुक्रवार की रात ये आतंकी पंजाब से कठुआ होते हुए जम्मू में सेना के इस कैंप तक पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इन लोगों को लाने में 2 कश्मीर युवकों का हाथ है जो गाइड का काम कर रहे थे। एनआईए की टीम आज जम्मू पहुंच रही है जो इस आतंकी हमले की जांच करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन शर्मा जुड़ गए हैं। पवन, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, सुरक्षा को, तमाम सुरक्षा इंतजाम को ध्यान में रखते हुए आप कितनी जानकारी दे सकते हैं ये ऑपरेशन किस लेवल तक पहुंच चुका है? देखिए, लगभग 25 घंटे से ज्यादा समय अब हो चुका है इस ऑपरेशन में। कल जो यहाँ पर फिदायीन हमला हुआ था, पीछे मैं बताना चाहूँगा, पीछे जो जिम्मे सुजमा का मिलिट्री स्टेशन जो है यहाँ पर अभी भी जो अंदर का जो इलाका है वहाँ पर आर्मी के जवानों ने पोजीशंस ले रखी हैं। कमांडोज हैं, आईएएफ के कमांडोज और सेना के कमांडो जो हैं, पूरा इलाका उन्होंने कवर कर रखा है। 3 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है और 2 जवान शहीद हुए हैं, 9 के करीब लोग घायल हुए हैं। लेकिन जो अभी तक इनपुट्स मिल रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद के जो आतंकियों ने हमला किया था और बाहर का इलाका आप देखिए पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने कवर किया हुआ है, क्योंकि कैंप के जितने गेट्स हैं वहाँ पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है क्योंकि रात के समय पूरी सर्च वहाँ पर चली थी। अब ये माना जा रहा है कि आतंकी जो हैं वो 1 या 2 आतंकी वहाँ पर हो सकते हैं उस इलाके में जहाँ जो फैमिली क्वार्टर थे, क्योंकि 150 के करीब जो फैमिलीज थी उनको एवैक्यूएट किया था। कुछ क्वार्टर अभी हैं जहां पर सर्च रात को चली है, लेकिन इस समय अभी समय बड़ा साबित होने वाला है क्योंकि
दिन हो चुका है और इस समय फाइनल असाल्ट होगा और जो एक दो आतंकी बचा होगा उसे भी मार गिराने में फौज जो है वो कामयाब होगी। पूरा जो कैंप है उसके भीतर इस समय एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, टैंक्स लेकर सेना के जवान जो है वो अंदर गए हुए थे और बाहर का इलाका पुलिस ने घेरा हुआ है। बाहर का इलाका पुलिस ने घेरा हुआ। पवन, ये भी जानकारी मिल रही है कि एनआईए जो है वो भी आज वहां पर पहुंचेगी, इसके साथ साथ क्या सेना के कोई और बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, कल जो 9 कोर के कमांडर थे वो खुद बिपिन रावत जो सेना के चीफ हैं उनके संपर्क में थे और अभी जो सेना के सूत्रों का कहना है कि आर्मी चीफ ने रात को ही जम्मू में डेरा लगा लिया था जहां पर, और जो कोर कमांडर्स हैं जो जितने भी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी ब्रिगेड के हैं या मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं वो पूरे इस इलाके में लगातार स्थिति में नज़र रखे हुए हैं। और सूत्रों का ये भी कहना है कि एनआईए की टीम आज दोपहर को जम्मू पहुंच सकती है। हालांकि ये केस अभी एनआईए को नहीं दिया गया है लेकिन एनआईए की टीम का लिंक जम्मू से ज़रूर है क्योंकि जितने भी हमले जम्मू में हुए हैं वो नगरोटा में हमला हुआ था, पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था, तो एनआईए को सीधा सीधा वहाँ पर उनको केस मिला था। तो माना जा रहा है कि इस हमले में भी एनआईए को केस मिल सकता है लेकिन प्रकाशनी तौर पर एनआईए की टीम आज दोपहर को जम्मू पहुंच रही है और यहां पर जो सेना के अधिकारी हैं वो लगातार अदर एजेंसीज के लोगों के साथ संपर्क में हैं। पवन, आप बने रहें, आपसे अपडेट जो है आगे भी इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर, जम्मू में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के घायलों से मिलने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी सेना के अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घायलों से मुलाकात की और उनके सेहत के बारे में जानकारी ली। इसके महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे जवानों की तारीफ करते हुए अस्पताल में मौजूद सेना के अधिकारियों और जवानों को सैल्यूट भी किया। इस बीच राज्य सरकार ने आतंकी हमले के बाद जम्मू और कश्मीर के एयरपोर्ट, बस अड्डे और दूसरे सरकारी संस्थानों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने श्रीनगर में भी आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक शनिवार की शाम करीब 6 बजे श्रीनगर के हैदरपुरा, करालपुरा और नौगाम में 4 आतंकी देखे गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने चेताया कि ये आतंकी सुरक्षा बल पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं, साथ ही सेना के कैंप और एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को आतंकी हमले को लेकर चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। पवन, अब श्रीनगर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कल वहां भी कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी के तक पूरा जितना इलाका है वहां पर हाई अलर्ट किया गया है क्योंकि एक और इनपुट सुरक्षा एजेंसियों का मिला है कि जैश मोहम्मद और लश्कर के लोग कश्मीर में जहाँ फिर जम्मू पठानकोट हाईवे पे कोई बड़ा हमला कर सकते हैं तो उसको देखते हुए ही इस सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है वो कश्मीर में और जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी किया गया है। वहीं वैष्णो देवी जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। सीमावर्ती इलाके जितने जम्मू के हैं, हीरानगर सेक्टर, कठुआ या फिर रामगढ़, सांबा, आरएसपुरा, इन इलाकों में भी जहाँ पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बीती रात भी फायरिंग की गई थी नुशारा सेक्टर में और पुंछ सेक्टर में, माना जा रहा है कि घुसपैठ करवाने के लिए ही लगातार फायरिंग हो रही है और इन इलाकों में कड़ी चौकसी बरतने का अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं घुसपैठ की आशंका हो तो उसके निपटने के लिए जो जवान है वो 3 टायर सुरक्षा है का एलओसी के ऊपर आगे सेना है, उसके पीछे का इलाका पुलिस के पास और बीएसएफ और अदर सुरक्षा बलों के पास है। तो अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में अलर्ट पहले से था लेकिन अभी ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है कश्मीर और जम्मू में भी। सुंजवान में जो भी हुआ उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी पवन शर्मा वहां से लाइव जानकारी दे रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाते हुए गोलाबारी की है। बीती रात 9 बजे से शुरू हुए इस गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई। पुंछ के खड़ी करमाड़ा में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ लोग डस्टबिन लेने के लिए आपस में गुत्थम गुत्ता करने लगे। वहां के मोती महल इलाके में पार्षद की तरफ से मुफ्त में डस्टबिन बांटी जा रही थी, जिसे लेने के लिए लोग आपस में ही उलझ पड़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि डस्टबिन लेने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने पड़ने लगे। मुफ्त की डस्टबिन मिलने की बात सुनकर मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी हो गई। हर कोई ज्यादा से ज्यादा डस्टबिन पर कब्जा जमा लेना चाहता था, लेकिन गुत्थम गुत्था शुरू होने पर डस्टबिन बांट रहा व्यक्ति बची हुई डस्टबिन लेकर चला गया। इसके बाद कुछ महिलाएं डस्टबिन के लिए एक दूसरे से तू तू मैं करती भी दिखी। अंत में कुछ ही लोगों को डस्टबिन मिल पाई, बाकी को मायूस होना पड़ा। कौन से पार्षद जी हैं, क्या नाम है पार्षद जी का? जी, तो आप यहाँ क्या करने आई थी उनके घर पे? हालांकि थोड़ी देर बाद फिर डस्टबिन बंटनी शुरू हो गई, लेकिन इस बार भी हाल पहले जैसा ही रहा। राम मंदिर के लिए मस्जिद की जमीन देने के प्रस्ताव से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने सदस्य मौलाना सलमान नदवी से नाराज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नदवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुशासन कमेटी का गठन किया है, जो आज अपना फैसला सुना सकती है। सलमान नदवी ने बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की, जिससे बोर्ड के दूसरे सदस्य नाराज है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हमने अपने स्टैंड को फिर से वाज़े किया है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद रहेगी। इस सिलसिले में किसी तरह की कोई मुसालहत नहीं की जा सकती है। हम अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे अगर हम मस्जिद के सिलसिले में कोई मुसालहत करें। अगर ये बात पहले कह देते तो 6 दिसंबर नहीं होता, बेगुनाह मुसलमान नहीं मारे जाते, ये नफरतें नहीं होती। तो अब मौलवी अगर इतनी देर से बताएगा तो कुरान हदीस और शरा और इमामों के फैसले, तो फिर मेरे ख्याल से रेक्टर को नदवे के इस पर गौर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ राहगीर एक गाड़ी के ड्राइवर को सरेराह पीटने लगे। भीड़ का आरोप था कि उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से एक मोटरसाइकिल के छू जाने भर से उसके सवार को बुरी तरह पीट दिया, लेकिन ये दबंगई उसे भारी पड़ गई। क्योंकि भीड़ गुस्से में आ गई, लोगों ने उल्टे गाड़ी के ड्राइवर को ही पीटना शुरू कर दिया। पीटने वालों में मोटरसाइकिल सवार भी था, जिसे कुछ देर पहले ड्राइवर ने पीटा था। ड्राइवर से पिटने के बाद मोटरसाइकिल सवार रो रहा था, और यही देखकर कुछ राहगीर उससे हमदर्दी जताने लगे। भीड़ ने जब मोटरसाइकिल सवार को पीटने का कारण पूछा तो ड्राइवर और उसका साथी विधायक की गाड़ी होने की बात कहकर सब पर रौब झाड़ने लगा। लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि गाड़ी विधायक की नहीं है, उनकी स्कॉर्पियो में टच हो गई, कहीं कोई टच नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। वो लड़का इनका ड्राइवर उतरा कि मैं विधायक जी का ड्राइवर हूँ, और उस लड़के को बुरी तरह यहाँ पटक पटक के मारा। इस पर भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया और राहगीरों ने मिलकर ड्राइवर को पीट दिया। हंगामे के कारण सड़क पर जाम लग गया, लेकिन पिटने के बाद ड्राइवर ने सड़क के बीचों बीच खड़ी गाड़ी को हटाकर वहां से जाने में ही भलाई समझी। राम मंदिर के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से मध्यस्थता कर रहे श्री श्री रविशंकर का दावा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हज समिति के जितने लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, वो सभी चाहते हैं कि अयोध्या में उसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए, लेकिन सब इस बात को खुले में आकर कहने से डर रहे हैं। श्री श्री रविशंकर के मुताबिक दोनों समुदाय मंदिर मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं। श्री श्री रविशंकर ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि इस मसले पर डरने की जरूरत नहीं, बल्कि आगे आकर पहल करने की जरूरत है, क्योंकि समाज के लिए अच्छा काम है। 60 एकड़ के बीच में एक एकड़ लेके वहाँ करेंगे क्या? वहाँ मस्जिद बनेगा भी? फिर 50,000 पुलिस वहाँ तैनात रखनी पड़ेगी, ये समस्या हल नहीं होने वाला है। इसलिए मस्जिद को वहाँ से थोड़ी दूर पर शिफ्ट कर दें, वहाँ पर भव्य मंदिर बन जाए, थोड़ी दूरी पर वहाँ पर जगह में मस्जिद भी हो जाए। इस बात पर सभी सहमत हैं, मगर बात यहाँ है, डरते हैं लोग इस बात को खुले में आके बोलने में डरते हैं। श्री 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 जी बैठे थे, उन्होंने कोई उसका नोटिस तो नहीं लिया, जवाब भी नहीं दिया उनकी बात का। लेकिन बहरहाल भीख मंगे को ये हक है कि कासाए गदाई हाथ में लेकर दर दर जाकर भीख मांगे, देने वाला दे न दे। ऐसे ही एक साहब ने किसी कोई
मिसाल देकर चार इमामों से एक इमाम फला ने इसको गुंजाइश बताया है, ये उन्होंने कहा। शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बलों के उप कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात भी की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 5 समझौते भी हुए। पीएम मोदी आज अबू धाबी में बन रहे पहले मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आज विश्व सरकार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जहां भारत को शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में कलेक्टर ने भरे बाजार में एक व्यक्ति को थप्पड़ रसीद कर दिया। उस व्यक्ति की गलती ये थी कि उसने अपनी मोटरसाइकिल नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी थी। इससे कलेक्टर साहब गुस्सा आ गया, क्योंकि अतिक्रमण हटाओ अभियान पर निकले कलेक्टर साहब ने जब मोटरसाइकिल के बारे में पूछा तो उसके मालिक ने उन्हें सही से जवाब भी नहीं दिया। कलेक्टर साहब को गुस्सा दिलाने के लिए इतना काफी था और उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। उनके साथ चल रहे पुलिस वालों ने सरकारी अमले का दम दिखाने में कसर नहीं रखी। वो नौजवान को धक्का देकर पीछे धकेलने लगे, लेकिन शहर के पूरे सरकारी अमले की मौजूदगी भी नौजवान को डरा नहीं सकी। वो बार बार पूछने लगा कि कलेक्टर ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। कलेक्टर के थप्पड़ से नाराज नौजवान ने बताया कि वो सेना में है, इसके बावजूद कलेक्टर साहब के साथ चल रहे सरकारी लाभ लश्कर के अंदाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस वालों ने नौजवान को दोबारा धक्का देकर उसे वहां से खदेड़ दिया। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शिवलिंग के सामने पुजारियों के साथ पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। कांग्रेस अध्यक्ष शनिवार से 4 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं और इसी दौरान वो गवी सिद्धेश्वर मठ पहुंचे थे। मठ में पहुंचते ही वहां मौजूद पुजारियों ने राहुल गांधी का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया और उसके बाद मठ में राहुल गांधी ने शिवलिंग के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान मठ के पुजारियों ने उन्हें मठ की तरफ से स्मृति चिन्ह भी दिया। 200 साल पुराना गवी सिद्धेश्वर मठ लिंगायत समुदाय की आस्था का बड़ा केंद्र है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी मौजूद थे। इससे पहले राहुल गांधी हुलीगम्मा मंदिर भी गए और वहां पर पूजा अर्चना की। कर्नाटक में अपने चुनावी दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने कोप्पल में रोड शो किया। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी और खासतौर पर पीएम मोदी पर तीखा हमला किया।